हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं सीपीओ के पेपर का क्वेश्चंस मिसिंग नंबर सीरीज के टॉपिक से। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी हम करने वाले हैं ये एक नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को देख लो, ये आपका आया है सीएचएसएल पेपर में, इसी साल के क्वेश्चन पेपर में आया है। सीएचएसएल का एग्जाम जो 1 जुलाई 2024 को हुआ था, इवनिंग की शिफ्ट थी। ठीक है, सो इसको देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सो यहाँ पर आपको दिया है 64 और 512। सो एक है 64 और इसका कनेक्शन बना है 512 के साथ। सो 64 हमें पता है ये 8 का स्क्वायर होता है, और 512 हमें पता है कि ये 8 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, यहाँ पे जो ए इज टू बी है, यानी कि ये ए का कनेक्शन जो बी के साथ है वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर है और उसी पर्टिकुलर नंबर का क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक तो स्क्वायर है एक क्यूब है। अभी इसको देखेंगे 225 और 3375 को, तो ये किसी नंबर का स्क्वायर है, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड है वो स्क्वायर है और जो राइट साइड है वो क्यूब है। सो 225 किसका स्क्वायर होता है पता हो तो हमें पता है कि 225 15 का स्क्वायर होता है, राइट। तो इसका मतलब जो इसका कनेक्शन 3375 के साथ में है, सो ये 15 का क्यूब होएगा, करेक्ट। सो 15 का स्क्वायर हो गया 225, 15 का क्यूब हो गया 3375। नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक 169 है और इसके रिलेशनशिप में कुछ तो है, वो पता करना है। सो 169 किसका स्क्वायर होता है ये हमें पता करना है। सो 169 तो होता है 13 का स्क्वायर। सो अगर 13 का स्क्वायर 169 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 का क्यूब आ जाएगा। सो 13 का क्यूब कितना हो जाता है यहाँ पर, 2197। सो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिला, ऑप्शन नंबर 2, 2197। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर हमें दिया है इस तरह से ये सीरीज, इसको देख लेते हैं। 45 है, फिर 46 है, यहाँ पर वन नंबर का डिफरेंस है। 46 के बाद 50 है, यहाँ पे फोर नंबर का डिफरेंस है। 50 के बाद 59 है, यहाँ पर नाइन नंबर का डिफरेंस है, और फिर 75 है। सो 59 से 75 के बीच का डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6 आएगा, और यहाँ पर फिर हो जाएगा 6 में से 5 गया 1। सो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एक 1 है, एक 4 है, 9 है, 16 है। सो यहाँ पर इसको देख के ये पता चल रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, फिर ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, इसी तरह से ये 4 का स्क्वायर है। सो क्वेश्चन मार्क की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट नंबर यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आएगा, 25 यानी कि 75 में 25 को ऐड कर देंगे, ऑप्शन नंबर 300 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 6, 10, 15, 21, क्वेश्चन मार्क 36, 45। सो 6 से 10 के बीच का जो डिफरेंस है ये है 4 का, ठीक है। इसके बाद 10 से 15 के बीच का डिफरेंस है 5 का, 15 से 21 के बीच का डिफरेंस है 6 का। सो अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर नंबर सीधे सीधे 4, 5, 6 इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। सो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नेक्स्ट आ जाएगा 21 से, क्वेश्चन मार्क वाले में आ जाएगा 4, 5, 6 चल रहा है, 7 हो जाएगा। 7 में 7 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 28। सो इट्स सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 28 इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क दिया गया है हमें, ठीक है, 2, 6, 12, 20, इसके बाद में दो क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद में 56 और 72, इस तरह की सीरीज हमें दी गई है। सो हमें अभी यहाँ पर देखना है कि इसमें कौन से पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 2 से 6 की तरफ जाएंगे, हमें यहाँ पर प्लस 4 मिल रहा है। 6 से 12 की तरफ जाएंगे, यहाँ पे हमें प्लस 6 मिल रहा है। 12 से 20 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमें प्लस 8 मिल रहा है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इवन नंबर्स का एडिशन हो रहा है, 4 फिर इसमें 6 फिर 8, तो नेक्स्ट होना चाहिए प्लस 10, यानी कि 20 प्लस 10 यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा, 30 नंबर आएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 10 के बाद प्लस 12 आएगा, 30 में प्लस 12 करेंगे तो हमें यहाँ पर नंबर आएगा 42। सो इस तरह से हमने देखा कि 30 और 42 का कॉम्बिनेशन यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, तो हमें क्या करना है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है हमारे एग्जाम के लिए।
एट प्रेजेंट हम CGL और MTS दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी CGL के लिए देख रहे हैं वो CGL के लिए समझ कर इनको सॉल्व करें क्वेश्चंस को, और जो MTS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो MTS के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सोच कर इनको कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। सो अभी देख लेते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 46 दिया है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 81 है, 100 है, 120 है, 141 है। सो डिफरेंस के साथ शुरुआत करेंगे, पहले में ही क्वेश्चन मार्क दिया है, सो वी हैव टू फाइंड आउट कि इन बाकी नंबरों का क्वेश्चन मार्क के बाद वाले जो नंबर है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो 120 और 141 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 21 नंबर का डिफरेंस, 100 और 20 में देखेंगे तो यहाँ पर है 20 नंबर का डिफरेंस, 81 से 100 की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा फिर 90 एंड 100, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 19 का डिफरेंस। ठीक है, सो इस तरह से हमने देखा कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये चल रहा है 21, 20, 19, सो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क और 81 के बीच में यहाँ पर होना चाहिए 18, तो या तो आप 81 में 18 को माइनस करके अपने क्वेश्चनेबल टर्म के वैल्यू पे पहुँच जाएं, या इसको एक और नीचे जाओगे तो यहाँ पे आएगा 17, इसका मतलब 46 और 17 को ऐड कर देंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी, या 81 में 18 को माइनस कर देंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स गो विद द पॉजिटिव वन, ऐड कर लेते हैं। सो 6 और 7 का यहाँ पर हो जाएगा 13, यूनिट डिजिट में आएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो ये हो गया 13, 415 एंड 1 जो कैरी था 6, इस तरह से हमें मिला 63 आंसर इस क्वेश्चन का, 63 आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हमने देखे आज की क्लास में कुछ मजेदार क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।